बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है इस्माइल शहजाद और आप देख रहे हैं चैनल पोल्ट्री ट्रिक्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमने ये घर में एक चूज़ों के लिए कूलर बनाया, तो इस पे जो पूरा ख़र्चा आया, इसकी डिटेल्स वगैरह वो मैं आपको अभी सारी इस वीडियो में बताऊँगा। तो बगैर किसी डिले के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कूलर ये पड़ा हुआ है। तो ये हमने दो बास्केट, आप देख सकते हैं ये दो बास्केट्स को हमने बीच में से इसकी काट के, तो दो बास्केट वापस मिला के ये इसका केस करा लिया। और यहाँ पर इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रोपेलर लगा हुआ है यहाँ पर, इसके पीछे एक मोटर भी देख रहे हैं आप, ये मोटर लगी हुई है इसकी। और ये पीछे जो रूम कूलर्स जो आते हैं उनके कूलिंग पैड्स ले आए हैं वो लगा दिए हैं। नीचे स्टॉप में पानी पड़ा हुआ है और पानी के अंदर हमने ये पंपिंग मोटर रखी है, तो ये पंपिंग मोटर नीचे सारा पानी खींच के इधर ऊपर डालती है। ये सारे जो बीच में सुराख हुए हैं इसी से ये पानी नीचे कूलिंग पैड में जाता है, और कूलिंग पैड गीले होते हैं और फिर इसी तरह वो ठंडे होते हैं और ठंडी हवा को पहले आगे फेंकते हैं। तो यहाँ पर फिर जैसे जैसे पानी ये जैसे बहता बहता वापस नीचे टब में चला जाता है, और वापस ऐसे सर्कुलेट होता रहता है पूरा पानी। तो अभी आप ये अब इसमें आप ये फ़ायदा है कि पानी आपको रोज़ाना रोज़ाना डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी सर्कुलेट होता रहता है। अभी भी इसमें देखिए, हमने कल पानी डाला तो अभी फ़िलहाल पानी काफ़ी गंदा हो चुका, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। तो इसका एक बस ये ध्यान रखना होता है कि ये जो पंपिंग मोटर है इसी अगर पानी ख़त्म हो जाए टब में तो ये पंपिंग मोटर ख़राब हो जाएगी, तो बस ये ध्यान रखना पड़ता है पानी का। तो इसकी सारी वायरिंग वगैरह ये हमने इसी के पीछे रखी हुई है ताकि बारिश होने पर ये गीली ना हो जाए। तो ये सारी ये देखिए तार जा रही है, हमने अपने नीचे घर में लगाई हुई है। तो अभी इस वक्त तो खैर बारिश हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, तो टेम्परेचर अभी इस वक्त 28 ही डिग्री है, तो इसलिए अभी ये बंद किया हुआ, नहीं तो दोपहर के इस टाइम हमारा ये कूलर चल रहा होता है। और ये इस वक्त ऊपर का टेम्परेचर 38 हो ना, तो ये 30 पे आराम से कर लेते हैं। तो अभी वैसे ही इसकी पीछे से मोटर चेंज करनी है, ये मोटर थोड़ी स्लो चलती है तो उसकी मोटर चेंज करनी है ताकि ये और तेज़ चले और फिर कूलिंग ज़्यादा तेज़ होगी। और वैसे ही अगर अभी पानी का टेम्परेचर देखें तो ये काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि कूलिंग पैड में से पानी जब गुजरता है तो पानी भी ठंडा हो जाता है। तो इसमें आपको अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार आके बर्फ़ वगैरह डालनी पड़ेगी पानी ठंडा करेंगे, तो कुछ नहीं है, पानी ऐसे ही ठंडा हो जाता है। तो बाकी आप माशाल्लाह से हमारे चूज़े भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके सारे वाइट पर उतर गए और ये काले होना शुरू हो गए। फीड वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं हम, और पानी वगैरह सारा कुछ इनका पड़ा रहता है रफ। और बाकी इनके नीचे से घर में कुछ जो चीज़ें बच जाती हैं वो भी ला के डाल देते हैं, सामने जो बर्तन पड़े हैं इन चीज़ें डाल देते हैं वो। तो अभी एक कूलर नीचे से जाके ऑन करता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ कि कैसा है चल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैंने नीचे से ऑन करने के लिए कह दिया, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखा स्टार्ट हो गया और ये पानी भी ऊपर आना शुरू हो गया। ये पानी ऐसे ही है, पूरी पैर गीले हैं वापस पानी में, तो भी यहाँ से पानी बाहर नहीं गिरेगा, सारा ही पानी अंदर जाता है और ये वापस मोटर ऊपर फेंकती है पानी, सारे सुराख से निकल जाते पानी, कूलिंग पैड गीले होते हैं। और देखिए तो ये गर्मियों के मौसम में काफ़ी एफिशिएंट रहता है और ये काफ़ी लो बजट के लिए तकरीबन 2,500 में हमारा एक पूरा कूलर बन गया। तो इस मुकाबले में अगर आपको दूसरा बना बनाया कूलर लें बड़ा वाला तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप इस जैसा कूलर बना सकते हैं, तो बिल्कुल वर्किंग है 100% और गर्मियों में काफ़ी काम भी आता है। तो अभी इस वक्त मैंने उसको नीचे कूलर बंद करने को कह दिया, तो अभी बंद हो चुका है, क्योंकि आपको भी मैंने बताया तो कि अभी बारिश हो गई तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो इसलिए अभी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर हवा भी चल रही है अच्छी खासी, तो मैं बड़ी फिर आपको दिखा दूँगी, देखें अभी सारे गीले हो चुके हैं और सही बिल्कुल सही काम कर रही है। इसको ये हमने कूलर को ना यहाँ ये दो नीचे एलुमिनियम के रॉड्स पड़े हैं उसके ऊपर ये रखा हुआ है,
तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आपके जो भी आगे दोस्त अगर कोई ऐसी गर्मियों से परेशान है तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।